नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज, मैं राशिद अली। उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको लेकर चर्चा खत्म नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, इस कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो मोड़ दिखा, जो आखिरी पड़ाव पर जो मोड़ आया और किस तरह से राजनीति ने करवट ली, वो वाकई काबिले तारीफ था। क्योंकि किस तरह ने राजनीतिक पार्टी एक दूसरे की अब तक दुश्मनी निभाने वाली राजनीतिक पार्टियों ने दुश्मनी बुलाकर दोस्ती का हाथ थामा, तो वहीं बीजेपी को इसके आगे झुकना पड़ा। और अब खबरें आ रही हैं कि आखिर ऐसी अटकलें लग रही थी पहले कि कहीं ना कहीं बसपा केवल इसी चुनाव में, यानी कि लोकसभा के उपचुनाव में दो सीटों पर सपा का साथ दे रही है, उसके बाद नहीं देगी। लेकिन एक खबर आई है इसी को लेकर चौंकाने वाली, जिसको मैं आपको बता दूं। अब मायावती का बयान आया है, भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन को तैयार। यानी कि और एक और बात खबर आई है कि जिसे मैं आपको बता दूं, बीजेपी के बहकावे में ना आए, 2019 के लिए सपा बसपा गठबंधन होकर रहेगा। यानी कि मायावती ने साफ इशारा कर दिया है कि अब सपा और बसपा एक दूसरे का हाथ थाम कर ही उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में कूदेंगे। और जाहिर सी बात है, और अगर ये दोनों साथ रहेंगी तो इनके जीतने की आशंकाएं, इनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। बहरहाल मैं आपको उस दौर में लेके चलता हूं जहां पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, और जब सपा बसपा का गठबंधन जीता और जिस तरह से बीजेपी हारी, और उसके बाद नेताओं का क्या कहना था, पहले सुनिए उनकी जुबानी। गोरखपुर और फूलपुर के लिए आखिरी वक्त पर अनमने ढंग से हुआ सपा बसपा का गठबंधन काम कर गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पिछली बार जीती फूलपुर लोकसभा सीट, इस बार सपा बसपा ने एक होकर भाजपा से छीन ली। यह पहला मौका है जब 27 साल से भाजपा के गढ़ गोरखपुर में सपा बसपा मिलकर जीती। सबसे पहले फूलपुर के नतीजे आए, यहाँ सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जीत गए। वहीं गोरखपुर में भी सपा के प्रवीण निषाद जीत गए। दोनों सीटों पर पिछली बार से करीब 12% कम वोटिंग हुई थी। हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह जनता का फैसला है, हम सभी को इसे मानना चाहिए। अति आत्मविश्वास और आखिरी समय में सपा बसपा की राजनीतिक सौदेबाजी के कारण हम हार गए। तो वहीं आपको बता दें, फूलपुर में सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को 3,42,796 और बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 2,83,183 वोट मिले। नागेंद्र पटेल 59,613 वोटों से जीते। तो वहीं बात करें गोरखपुर की, तो सपा के प्रवीण निषाद को 4,56,513 वोट मिले। बीजेपी कैंडिडेट्स उपेंद्र शुक्ला को 4,34,632 वोट मिले। निषाद 21,881 वोट से जीते। तो वहीं आपको बता दें, इस सीट पर पिछले 8 चुनाव से गोरखनाथ मठ का कैंडिडेट ही जीता रहा था, जो अपने आप में एक इतिहास रचता है। बीजेपी के लिहाज से 27 साल बाद और मठ के लिहाज से 29 साल बाद ऐसा हुआ है जब यहां गोरखनाथ मंदिर से इतर कोई कैंडिडेट जीता। महंत अवैधनाथ 1989, 1991 और 1996 में जीते। 1989 में हिंदू महासभा के टिकट से और बाकी दो बार बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद पांच बार, यानी 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही यहां से जीतते रहे थे। तो वहीं गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा को रोकने के लिए 25 साल बाद सपा और बसपा साथ आईं। इससे पहले 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह साथ आए थे और सरकार बनाई थी। बाद में यह अलायंस 1995 में टूट गया था। तो वहीं 2014 में यह योगी आदित्यनाथ 5,39,127 वोट पाकर जीते थे। सपा बसपा के मिले वोटों की संख्या 4,02,756 थी। लेकिन यहां भी 2017 में सपा और बसपा के कुल वोट बीजेपी से 72,000 आगे थे। और इस बार की बात करें तो गोरखपुर में बसपा से पहले सपा ने 10% मुस्लिम वोट के बीच पकड़ रखने वाली पीस पार्टी और 18% निषाद वोटरों के बीच पकड़ रखने वाली निषाद पार्टी से गठबंधन किया। यहां तक कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रवीण निषाद को सपा का टिकट दिया। इसके बाद बसपा ने भी उसे समर्थन दे दिया। बीजेपी ने यहां उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया था। पहली बार बीजेपी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा, जिसका नतीजा यह निकला, यहां 2014 में 54.6% के मुकाबले 43% मतदान ही हुआ। यानी बीजेपी के कम वोटर घरों से निकले
योगी आदित्यनाथ ने माना कि यहां बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से कितना रोचक रहा ये उत्तर प्रदेश के दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इन खबरों में क्या है, कैसी ये बड़ी बड़ी खबरें हैं, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले रूबरू कराता हूं आपको एक खबर से। आप देख सकते हैं यहां पर उपचुनाव में जीत और राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सबकी निगाहें 2019 में सपा बसपा गठबंधन की संभावनाओं पर टिकी हैं। जाहिर सी बात है, अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता जा रहा है कि आखिर 2019 में क्या होने वाला है, क्या फिर से हाथी साइकिल पर सवार होगा? और अगर ऐसे हुआ तो कहीं ना कहीं कमल का फूल मुश्किल ही खिलेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। पहले मायावती बसपा विधायकों से मिली और फिर पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ मीटिंग की। यह बैठक करीब 20 मिनट तक चली। उन्होंने पार्टी नेताओं को स्पष्ट संकेत दिया कि बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन होकर रहेगा। मायावती ने कहा कि जो लोग बसपा सपा के गठबंधन पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहती हूं कि ये गठबंधन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा कह लिया है कि ये राजनीतिक नफा नुकसान के लिए नहीं है बल्कि जनता के कल्याण के लिए ये फैसला लिया गया है। यह बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ है। हमारे गठबंधन का दिल से देश में स्वागत किया गया है। हमारे ऊपर बीजेपी की बेकार की टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। 2019 में बीजेपी को केंद्र में आने से रोक देंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर हुंकार भरते हुए बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि हमारे ऊपर बीजेपी की बेकार की टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, 2019 में बीजेपी को केंद्र में आने से रोक देंगे। मायावती ने कहा है कि मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने 4.5 साल में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के नाम पर बहुत नाटक किए हैं, लेकिन अब ना तो उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को इन नाटकों का कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। जी हां, तो वहीं मायावती ने कहा है कि बी.आर. अंबेडकर का न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था और मानवतावादी भारत बनाने का सपना बीजेपी और आरएसएस शासन में कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी की विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा और संविधान के खिलाफ है। जी हां, बैठक में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर, पार्टी पदाधिकारी के साथ विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। मायावती ने पहले पार्टियों के साथ बैठक ली और उसके बाद इन पर चर्चा की। जी हाँ, तो वहीं मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस बैठक के चारों ओर चर्चा हो रही है। और बैठक में मायावती ने साफ कहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ सपा और बसपा को साथ आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जिस बात की अटकलें लग रही थी कि पहले ही कहा जा रहा था कि शायद ये जो गठबंधन है वो केवल सिर्फ इसी उपचुनाव के लिए है और आगे शायद ये दोनों पार्टियां चल नहीं पाएंगी, आगे दोनों पार्टियां आ नहीं पाएंगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब समाज, बहुजन समाज पार्टी भी समझ गई है कि आखिर अगर समाजवादी पार्टी का साथ मिल जाए तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब दोनों ने अपनी राहें आगे बढ़ा ली हैं और ये दोनों पार्टी भी बखूबी समझ गई हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना ही होगा, क्योंकि अगर ये दोनों अकेले आती हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जीतने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां, सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से, दशकों से वर्चस्व रहा है, और अगर ये दोनों पार्टी साथ में आती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनके आगे टिकती हुई नज़र नहीं आती। और यही नज़ारा हमने उपचुनाव में देखा और ये उपचुनाव आखिर इसी का उदाहरण है कि सपा और बसपा अगर साथ आएंगी तो ऐसी ही जीत हो सकती है। बहरहाल आधिकारिक तौर पर तो कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि इसका नतीजा तो तभी पता चलेगा जब मतदान होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पार्टियों की अगर बात माने, अगर उनके वर्चस्व की बात माने, उनके दबदबे की बात माने कि कैसा उनका कहाँ रुख रहा है, तो वहीं अगर ये बात माने, क्योंकि दो महत्वपूर्ण सीट जब सपा और बसपा का गठबंधन हिला सकता है तो जाहिर सी बात है बाकी सीटों की कोई आशंकाएं रह नहीं जाती, क्योंकि ये दो महत्व सीटें हिलाना वाकई एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था और सपा बसपा ने बखूबी करके दिखाया, तो बाकी राहें
कहीं ना कहीं उनके लिए आसान ही नज़र आती हैं। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि आखिर अब जो चुनाव होंगे, क्योंकि सवाल 2019 पे टिका है, और 2019 में कि क्या सपा और बसपा कुछ कमाल कर पाएंगी, सपा और बसपा बीजेपी को रोक पाएंगी, या बीजेपी कोई ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे जो सपा और बसपा पे भारी पड़े, तो देखने वाली बात होगी और सोचने वाली बात भी होगी कि आखिर अब राजनीति में क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। We'll be right back.